नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। सारी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इस समय भारतीय टीम भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज खेल रही है, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन इस सीरीज में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और वर्ल्ड कप के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसका एक वीडियो हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर किया। इस समय भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ही हैं, जो अपने बल्ले और गेंद दोनों से टीम को शानदार प्रदर्शन करके दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हार्दिक ने शानदार बैटिंग की थी। हार्दिक पांड्या ने चोट के बाद वापसी करते हुए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी मिडल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने कई बड़े स्कोर बनाए हैं, वहीं गेंद से भी विकेट निकाल रहे हैं। ऐसे में वो टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। हार्दिक ने अपनी फिटनेस पर भी जमकर काम किया है, जिसकी वजह से वो अच्छी स्पीड से गेंदबाजी भी कर पा रहे हैं। NCA में हार्दिक अपनी फिटनेस पर काम करते हुए दिखे हैं, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने इस साल 19 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 36 की औसत से 436 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 150 के पार रहा है। वहीं बॉलिंग करते हुए 19 मैचों में 12 विकेट भी लिए हैं। भारतीय टीम और क्रिकेट फैंस हार्दिक से यही उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड कप में भी हार्दिक अपनी फॉर्म को बरकरार रखें और भारत को फिर से 15 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जिताएं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।